अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज को शिहाब भाई का अपना सफ़र शुरू होकर 216 दिन पूरे मुकम्मल होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे शिहाब भाई के हवाले से क्या अपडेट हैं दोस्तों, और साथ ही साथ शिहाब भाई का करंट लाइव लोकेशन क्या है और शिहाब भाई प्रेजेंट कहाँ हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शिहाब भाई अभी भी इंडिया में ही हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं शिहाब भाई और पाकिस्तान में अपना सफ़र शुरू कर चुके हैं कह के। तो दोस्तों के बारे में आज की वीडियो में हम तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि दोस्तों वीडियो को स्किप करेंगे तो जो भी हम अपडेट देते हैं शिहाब भाई के रिलेटेड वो आपके मन में कन्फ्यूजन रह जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, और दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी शिहाब भाई को चाहते हैं, जो भी शिहाब भाई को देखते हैं, उन लोगों के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं शिहाब भाई के सफ़र से क्या अपडेट आई हैं। तो दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं शिहाब भाई का करंट लाइव लोकेशन वही है जो पाकिस्तान से 14 किलोमीटर दूरी पर अफेक्ट स्कूल में ही शिहाब भाई प्रेजेंट मौजूद हैं दोस्तों। जो लोग जाकर शिहाब भाई से मिलना चाहते हैं दोस्तों, जैसे कि हम हर वीडियो में ये कहते हैं कि शिहाब भाई से मिलने की टाइमिंग मॉर्निंग 10 o'clock टू 11 o'clock, इवनिंग मगरिब के नमाज के बाद शिहाब भाई सबसे मिलते हैं। तो दोस्तों इन टाइम शिहाब भाई के साथ आप लोग मिल सके हैं। जैसे ही शिहाब भाई इन टाइमिंग में जो लोग मिलना चाहते हैं दोस्तों वो टाइमिंग पे शिहाब भाई से मिल सकते हैं। और दोस्तों शिहाब भाई का करंट लाइव लोकेशन वही अमृतसर डिस्ट्रिक्ट खासा गांव जो मैं रुके हुए हैं दोस्तों। अभी शिहाब भाई के सफ़र को लेकर दोस्तों कुछ अपडेट तो नहीं आया है। जैसे कि कल हमने बताया था कि शाही इमाम साहब के बातों से यह लगता है कि शिहाब भाई का सफ़र जनवरी के मंथ में शुरू होगा कह के। तो दोस्तों वो डेट के ऊपर कुछ क्लैरिटी नहीं है, बट इंशाल्लाह सफ़र शुरू होने की उम्मीद है दोस्तों। और दोस्तों ये कुछ अफवाह फैल रहा है कि सोशल मीडिया पे शिहाब भाई आगे अपना सफ़र शुरू करेंगे या नहीं कह के। तो दोस्तों इंशाल्लाह शिहाब भाई अपना आगे सफ़र ज़रूर शुरू करेंगे। वो कहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे कह के, ये भी कुछ लोगों के मन में सवाल है। क्या वो पाकिस्तान को स्किप कर आगे चले जाके ईरान से आगे चलकर अपना सफ़र शुरू करेंगे क्या कह के। तो और कुछ लोग ये कहते हैं कि शिहाब भाई नहीं, शिहाब भाई चाइना से अपना सफ़र शुरू करेंगे कह के। तो दोस्तों इसमें कौन सी बात सच्चाई है वो किसी को नहीं पता है। शिहाब भाई भी अभी तक इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं दिया है। तो दोस्तों हम आपसे जितनी हम लोगों को रिसर्च वीडियो बनाने से पहले दोस्तों जितना हम लोगों को मालूम पड़ता है, हम दूसरे यूट्यूबरों से बात करके हमने जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है दोस्तों उसके हिसाब से हम आपके अपडेट देते हैं। तो दोस्तों अभी तक कोई इसके ऊपर अपडेट नहीं आई है, नहीं ये बातों पर आप लोग भी बिल्कुल यकीन ना करें। इंशाल्लाह उम्मीद है दोस्तों शिहाब भाई को जैसा ही वीज़ा मिलेगा तो वो अपना सफ़र शुरू करेंगे। जैसे कि दोस्तों हम बताते हैं शिहाब भाई का वीज़े का प्रोसेस चल रहा है, जो भी डॉक्यूमेंट पेपर वर्क का प्रोसेस है, जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस है उनका, वो इंशाल्लाह वो चल रहा है। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएंगा अल्हम्दुलिल्लाह शिहाब भाई अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो दोस्तों जो लोगों के मन में ये सवाल है क्यों शिहाब भाई अपना सफ़र अभी शुरू नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वजह एक ही है कि शिहाब भाई को वीज़ा मिल जाए इंशाल्लाह शिहाब भाई अपना सफ़र शुरू करेंगे। और साथ ही साथ शिहाब भाई अपने सफ़र में शिहाब भाई को प्रोटोकॉल की ज़रूरत है दोस्तों, उनकी जो शिहाब भाई के साथ सिक्योरिटी आती है शिहाब भाई को वो भी चाहिए कह के। कुछ टाइम लग रहा है शिहाब भाई अपने साथ अपने सिक्योरिटी को लेके जाना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह उसमें थोड़ी देरी आ रही है कह के मुझे लग रहा है। जैसे ही शिहाब भाई को वो भी सिक्योरिटी का भी परमिशन मिल जाएगा तो इंशाल्लाह शिहाब भाई अपना सफ़र शुरू करेंगे कह के हम उम्मीद रखते हैं। अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह शिहाब भाई का सफ़र ये जनवरी के मंथ में कभी भी शुरू होगा। और दोस्तों जैसे ही शिहाब भाई का सफ़र शुरू होगा साथ ही साथ हम लोग आपके साथ डेली अपडेट देते रहेंगे। और दोस्तों जैसे ही शिहाब भाई अपना सफ़र रहेंगे दोस्तों हम लोग आपके साथ जो भी जेन्यून अपडेट हम लोगों को मिलती रहेंगी वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अभी तक तो शिहाब भाई ने अपना मुबारक सफ़र नहीं शुरू किया है दोस्तों, जैसे ही वो शिहाब भाई अपना नेक सफ़र शुरू करेंगे इंशाल्लाह हम लोग आपके साथ अपडेट देंगे। दोस्तों जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि शिहाब भाई अपना सफ़र नहीं शुरू करेंगे, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, इंशाल्लाह करेंगे। शिहाब भाई अपना पूरा टारगेट पूरा कर कर ही शिहाब भाई जाएंगे, क्योंकि दोस्तों शिहाब भाई के मन में ढेर सारा हौसले के साथ हिम्मत से अपना काम ले रहे हैं। और दोस्तों साथ ही साथ शिहाब भाई में ढेर सारा सब्र है दोस्तों, जो इंसान सब्र करता है, जो बंदा सब्र करता है अल्लाह ताला उसकी रहमत करते हैं, अल्लाह ताला उसके साथ होते हैं। तो दोस्तों इंशाल्लाह हम शिहाब भाई के लिए भी दुआ करते हैं, और दोस्तों शिहाब भाई का आगे का सफ़र अच्छे से हो कह के भी उसके लिए भी हम दुआ करते हैं। इंशाल्लाह शिहाब भाई अपना मुबारक पाक सफ़र शुरू करेंगे कह के हमें उम्मीद है। और दोस्तों हम सब मिलकर शिहाब भाई को
दुआ में दरख्वास्त करें, शिहाब भाई के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह शिहाब भाई आगे अपना मुबारक सफ़र शुरू करें। कहें कि दोस्तों इंशाल्लाह शिहाब भाई की तरफ से जैसे ही कोई अपडेट हम लोगों को मिलती रहेंगी तो दोस्तों हम लोग आपके साथ डे टू डे अपडेट शेयर करते रहेंगे। दोस्तों डेली अपडेट इसलिए देते हैं कि जो शिहाब भाई को चाहने वाले हैं लोग गुमराह ना हो सके, उन लोगों के मन में कोई कन्फ्यूजन ना हो सके शिहाब भाई के सफ़र को लेकर। कह के डेली अपडेट इसलिए ही देते हैं दोस्तों। और दोस्तों जो लोग के मन में ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि शिहाब भाई के सफ़र को लेकर और शिहाब भाई को लेकर, तो दोस्तों कुछ लोग ये कहते हैं कि शिहाब भाई सेलिब्रिटी बनने के लिए ये सब करते हैं, ये अब वापस घर को चले जाएंगे, कह के कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। तो ऐसे कहने से बेहतर है कि दोस्तों कुछ ना कहें शिहाब भाई के लिए। जो बंदा दिल से इरादा करके अल्लाह के घर को पैदल जाने के लिए नियत करा है उसके ऊपर नेगेटिव कमेंट करने से तो बेहतर है कि हम कुछ ना कहें। दोस्तों आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कुछ ना कहें, शिहाब भाई इंशाल्लाह उनके दिल को अल्लाह ही जानता है। हम बस दुआ करें शिहाब भाई के हक़ में, उनका सफ़र आसान हो। कहे के दोस्तों का जो लोग अगले मुसलमान भाई के लिए दुआ करते हैं तो दोस्तों अल्लाह ताला उस बंदे पे भी रहमत फरमाता है। तो दोस्तों हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम शिहाब भाई को हमारी दुआओं में याद रखें, और शिहाब भाई के लिए ही नहीं हर मुसलमान भाई के लिए भी हम दुआ करें इंशाल्लाह। उम्मीद रखते हैं दोस्तों जो भी अपडेट हम लोगों को मिलते रहेंगे जेन्यून अपडेट देंगे। कहते हैं दोस्तों, और दोस्तों कुछ लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या शिहाब भाई ईरान से अपना सफ़र शुरू करेंगे। तो दोस्तों पाकिस्तान को स्किप करके शिहाब भाई अपना सफ़र शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं क्या, कह के भी यह सवाल है। तो दोस्तों इसके ऊपर तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, इंशाल्लाह जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा तो दोस्तों हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों ना ही कि फेक अपडेट देने से बेहतर है कि जो जेन्यून अपडेट हमें मिलती है उसके मुताबिक ही हमें अपडेट देते हैं। दोस्तों जितना सोर्स हमें पता चलता है कि शिहाब भाई को लेकर शिहाब भाई के सफ़र को लेकर वही अपडेट देने की कोशिश करते हैं, ना ही कि शिहाब भाई को लेकर शिहाब भाई के सफ़र को लेकर फेक अपडेट देते हैं। तो दोस्तों फेक अपडेट देने से यही होता है कि इस दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी उसका अंजाम हमें अल्लाह ताला देते हैं। तो दोस्तों इससे बेहतर है कि हम शिहाब भाई के लिए जो भी हमें जितना अपडेट मिला है करेक्ट अपडेट दें। और दोस्तों जैसे कि हम कहते हैं हर वीडियो में शिहाब भाई का सफ़र को लेकर हम दुआ करते हैं, हम सब मिलकर दुआ करें कहके। तो दोस्तों हमारा वीडियो बनाने के पीछे भी यही मकसद है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो लोग तक पहुँचे जो लोग शिहाब भाई को चाहते हैं, जो लोग शिहाब भाई के लिए दुआ करते हैं, जो लोग शिहाब भाई को देख के अब खुश होते हैं। दोस्तों उन लोगों के लिए हम ये वीडियो बनाते हैं, उनके लिए ये वीडियो को पोस्ट करते हैं दोस्तों, ताकि शिहाब भाई को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, शिहाब भाई के ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी इबादतों में अपनी दुआओं में शिहाब भाई को शामिल करें। कहें कि हम इस वीडियो को बनाते हैं उन्हीं लोगों को पहुँचने के लिए, ये वीडियो को हम शेयर करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा फ़र्ज़ है कि एक मुसलमान होने के नाते हम शिहाब भाई के साथ साथ शिहाब भाई के सफ़र में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो तमाम मुश्किलें ख़त्म हो कह के हम दुआ करते हैं। उम्मीद है दोस्तों शिहाब भाई का सफ़र आजकल में कभी भी शुरू हो सकता है। तो दोस्तों जैसे ही शिहाब भाई का सफ़र शुरू होगा इंशाल्लाह वो अपडेट हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें।